हाय, मैं धनंजय कुमार, डायरेक्टर ऑफ मेंटर कम्युनिटी क्लासेस बाढ़। चूंकि कल कुछ तकनीकी कारणों से वाईफाई उपलब्धता नहीं होने के कारण हम लोग यहाँ आए भी लेकिन नहीं हो पाया, बन पाया वीडियो। तो आज हमने सुबह में ही प्रयास किया, हम लोग सब 8 बजे ही आ गए, इन्हें आज वीडियो पहले ही अपलोड किया जाए। तो समय लगा, कल लाइट का कुछ प्रॉब्लम था। तो हम लोगों ने कल एक टॉपिक लिया था, वो टॉपिक था आपका सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है, जिसको आप सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं, ये हमारे देश में एक सर्वोच्च न्यायपालिका की जो सर्वोच्च है, वो जिसको एपेक्स बोला जाए, शिखर पे है, वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर कोई निर्णय दे दिया जाता है, अगर कोई डिसीजन दे दिया जाता है, जैसे अभी निर्भया हत्याकांड आप देखे होंगे, और भी बहुत सारा तरीके का घटना आते रहता है, तो वैसी स्थिति में उसके निर्णय अंतिम होता है और सर्वमान्य होता है, मतलब उसको सभी को मानना होगा। तो आज हम उसी टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, वो टॉपिक है हमारा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय का थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड पे आ जाए। सर्वोच्च न्यायालय तो दरअसल जनवरी 1950 में आया ना, लेकिन उससे पहले उसका बैकग्राउंड किस तरीके से था सर्वोच्च न्यायालय। तो कहता क्या है कि आप लोगों ने पढ़ा था और अमित सर आपको पढ़ाए भी होंगे हिस्ट्री में, कि 1773 में, ठीक है, 1773 में एक एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट, आप अच्छे जानते हैं अंग्रेजों के द्वारा लाया गया एक्ट था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कोर्ट की स्थापना की गई, तो और उसके दौरान 1774 में कलकत्ता में, कहा कलकत्ता, या जिसको अब कोलकाता के नाम से भी जानते हैं, कलकत्ता में कोर्ट की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। ठीक है, यानी 1773 जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था उसके द्वारा कानून बना और 1774 में कलकत्ता में एक कोर्ट की स्थापना की गई। उसके बाद चला बहुत सारे समय तक। अगर इसी बीच आप हाईकोर्ट के बारे में, तो हाईकोर्ट जो आया, हाईकोर्ट की जो स्थापना सूर्य अंग्रेजों के समय में 1862 ईस्वी से, यह हम चर्चा करेंगे चूंकि इसके बाद हाईकोर्ट ही पढ़ा देंगे। ठीक है, और उसके बाद आया 1935, आप में से हर कोई जानता है, यहाँ पे भी आपको टॉपिक पढ़ाया गया हिस्ट्री में, 1935 भारत सरकार अधिनियम। अब जो देखिए, 1935 जो भारत सरकार अधिनियम आया, तो भारत सरकार अधिनियम के अनुरूप सन 1 अक्टूबर 1937, आप ऐसे याद रख सकते हैं, महात्मा गांधी की जयंती के एक दिन पहले, महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर है, तो 1 अक्टूबर 1937 यानी लगभग 2 वर्ष बाद एक कोर्ट की स्थापना की गई, और वो कोर्ट था फेडरल कोर्ट। कहां था? लंदन। तो 1935 भारत सरकार अधिनियम के अनुरूप अंग्रेजों के द्वारा ही 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट। अब यहां पे चर्चा था, यार आप जान सर फेडरल कोर्ट ही कहीं सुप्रीम कोर्ट तो नहीं था उस समय का। तो देखिए, फेडरल कोर्ट बहुत ही क्लाइमेक्स कोर्ट था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये नहीं था। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अगर ये सुप्रीम कोर्ट होता तो इसके खिलाफ याचिका दायर नहीं की जाती। तो फेडरल कोर्ट के खिलाफ, थोड़ा सा आप यहां देखेंगे, फेडरल कोर्ट के खिलाफ जो है, लंदन के प्रिवी काउंसिल में, लंदन के, ये सब थोड़ा स्टैंडर्ड टॉपिक है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, लंदन के प्रिवी काउंसिल में मुकदमा दायर किया गया। तो इसी इस बात का अनुमान लगाया जाता है इसके बैकग्राउंड के तौर पर कि 1937 को जो फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, अगर यह सुप्रीम कोर्ट होता तो इसके खिलाफ कहीं भी अपील दायर नहीं की जाती, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में होता। तो इस तरीके से 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट आया, जिसके खिलाफ लंदन के प्रिवी काउंसिल में, जब मतलब उसके खिलाफ किस किया गया, तो इससे ये बात तो स्पष्ट हो गया ना कि सुप्रीम कोर्ट नहीं था। अब हम लोग, ये था हिस्ट्री कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1774 में कलकत्ता में प्रथम कोर्ट की स्थापना हुई, 1862 में हाईकोर्ट की शुरुआत की गई, और 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुरूप 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट की स्थापना लंदन में की गई, बाद में इसके खिलाफ प्रिवी काउंसिल में भी जाकर मुकदमा दायर किया गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सीधे सीधे पॉइंट पे। ये तो था थोड़ा सा बैकग्राउंड, हिस्ट्री का सकते हैं। अब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट था, उसकी स्थापना हुई थी सन 1950
50, ऐसे जनवरी 1950 कहा जाता है, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1950 में। इसका वर्णन जो किया गया है आर्टिकल 124, ध्यान रखेंगे, इसका जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 124 में किया गया। और प्रथम, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या पहले क्या थी, जिस समय सुप्रीम कोर्ट स्टार्टिंग में आया था उस समय जो न्यायाधीश की संख्या थी टोटल वो था 8 जज का, यानी 1+7। 1+7 ना समझ रहे हैं, 1+7 मतलब एक जो थे वो मुख्य न्यायाधीश थे CJI, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हिंदी में बोला जाता है मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। चलिए, तो आरंभ में जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई उस समय 8 जज थे, मैंने 8 सीट बनाया गया था 1+7 के रूप में। 1+7 कहने का मतलब ये हुआ कि एक जो होते थे वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते थे और 7 अन्य जज होते थे। बाद में इसमें परिवर्तन भी किया गया, जो सबसे आखिरी परिवर्तन था वो हुआ था वर्ष 2008 में, जजों की संख्या में जो परिवर्तन किया गया था, और वो वर्ष 2008 में था, उस समय 1+30=31। और ये हमारा करंट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 31, मुख्य न्यायाधीश को अगर छोड़कर है तो 30। तो 1+30 मतलब वो एक जो होंगे वो CJI होंगे, जैसे अभी वर्तमान CJI हमारे कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SA बोबडे, शरद अरविंद बोबडे, इससे पहले जो थे रंजन गगोई थे, उससे पहले की बात किया जाए तो उससे पहले आपके दीपक मिश्रा थे 45 में, 46 में आपके आए रंजन गगोई, 47 में आए आपके अभी जो वर्तमान CJI हमारे SA बोबडे, शरद अरविंद बोबडे, तो चर्चा करेंगे हम लोग वहां पे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 2008 में 1+30 का आंकड़ा आया जिसमें एक जो थे वो CJI थे। CJI का मतलब मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको न्यायमूर्ति भी कहा जाता था, ठीक है, पहले ही सब नाम से जाना था। और 30 रेस्ट ऑफ जस्ट है। देखिए ये 31 का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 31 का 31 सीट भरा रहे, नहीं, 31 संख्या निर्धारित की गई थी, कभी 23 जज हो सकता है, 24 होगा, 25 होगा, कभी कुछ भी हो सकता है। और प्रारंभ में जब हमारी स्थापना हुई तो जो पहले CJI चुने गए, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, आप पढ़ते भी हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश CJI, वो कौन थे, वो थे हीरालाल जे कानिया। कौन थे हमारे प्रथम जो CJI थे, प्रथम जो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो थे हीरालाल जे कानिया, ठीक है। और ऐसे हमने आपको बोला कि सुप्रीम कोर्ट में प्रावधान है कि आप उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, महाभियोग से हटाया जाता है जज को, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन हाँ एक के खिलाफ लाया गया था और वो नाम था, उसके लिए थोड़ा सा मिटा देंगे, चलिए थोड़ा मिटा देते, ठीक है, पढ़िएगा थोड़ा डिटेल में, मजा आएगा पढ़ने में, सब अच्छा सा टॉपिक है। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे, लास्ट 3 पे आते हैं, जैसे 45 में, 46 में, और आपका 47 में, 47 में मतलब वर्तमान। तो 45 में जो CJI थे, ये सब CJI हैं, वो थे दीपक मिश्रा, ठीक है। 46 में जो थे वो थे रंजन गगोई, असम से थे, और 47 में अर्थात वर्तमान शरद अरविंद बोबडे, ये 19 में 18 में ऐसे करते थे। तो हम चर्चा कर रहे थे कि 45 में एकमात्र ऐसे CJI, एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वो था दीपक मिश्रा। हाँ, ये जरूर है कि वो सफल नहीं रहा, लेकिन एकमात्र 45 में चीफ जस्टिस के रूप में थे वो थे दीपक मिश्रा। उसके बाद 2019 में बने
रंजन गगोई और 19 के लास्ट में 20 के स्टार्टिंग में बने 47 में या वर्तमान सीजीआई वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये थे हमारे एस ए बोबडे जिसको शरद अरविंद बोबडे के नाम से जानते हैं। क्लियर। चलिए अब हम आगे आते हैं। अब सवाल था कि ठीक है सर ये तो था, अब सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता क्या है उस पर सवाल करो। ऑनलाइन क्लास जो है ना अब हम लोग 20 तारीख तक 15 या 16 तारीख तक देखिए मतलब 20 तारीख लास्ट होगा हमारा क्लास जो होगा वो ऑनलाइन क्लास होगा मतलब हम लोग 6 ऑनलाइन क्लास आपको और बनाएंगे 6 या 7 ठीक है। 20 के बाद हम लोग ऑनलाइन क्लास रोक देंगे क्योंकि फिर क्लास खुलने की भी तैयारी करना है चूंकि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से क्लास खुलेगा तो इसलिए हम लोग 20 तक या हो सकता है तो 15 तक भी रोका जाए आगे आपको नोटिस मिल जाएगा ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग चर्चा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जज जो लोग बनते हैं न्यायाधीश जिसको बोलते हैं क्या योग्यता क्या है इसकी। देखिए जज बनने की मुख्यतः 3 योग्यता का वर्णन संविधान में किया गया ठीक है। पहला था कि 5 इयर्स जज के रूप में वो किसी हाई कोर्ट में रहा हो ठीक है का अनुभव हो कहने का मतलब एक्सपीरियंस मतलब जज की पहली योग्यता है कि सुप्रीम कोर्ट में वही व्यक्ति जज बन सकता है जो किसी भी हाई कोर्ट में देश के जितने भी हाई कोर्ट हैं किसी भी हाई कोर्ट में वो 5 साल जज रहा हो। अगर मान लीजिए उसके पास ये योग्यता नहीं है तो और में क्या है कि 10 साल एडवोकेट के रूप वकील का अनुभव रहा हो उसे। दूसरा योग्यता है कि अगर वो 5 साल हाईकोर्ट में नहीं रहा जज के रूप में तो एक और योग्यता है कि 10 साल एडवोकेट का अनुभव उसको होना चाहिए किसी भी हाईकोर्ट का। और आप ये जान लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ज्यादातर जो लोग बनते हैं वो इसके थ्रू बनते हैं ठीक है। केवल आज तक 8 ऐसे लोग हैं ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो कि एक हाई कोर्ट में वकील थे और सुप्रीम कोर्ट में जज बने जिसमें एक नाम इंदु मल्होत्रा आता है जो एकमात्र महिला उसमें शामिल थी उस 8 में ठीक है। आप फिर से एक बार सुनेंगे हमने बोला कि 5 इयर्स जज होना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट में अगर वो 5 साल तक जज रहा हो तब या 10 साल किसी भी हाई कोर्ट में वो वकील रहा है तो ये बहुत निम्न योग्यता है और इसके थ्रू आज तक मात्र 8 लोग ही सुप्रीम कोर्ट के जज की कुर्सी तक न्यायमूर्ति की कुर्सी तक पहुंच पाए बाकी जो भी लोग हैं वो 5 इयर्स जज के रूप में उनका अनुभव रहा उसके बाद उनको जज बनाया गया सुप्रीम कोर्ट में। अगर मान लीजिए ये नहीं है तो एक और वो राष्ट्रपति की नजर में वो कानून का ज्ञाता हो ठीक है। एक पॉइंट ये भी है कि राष्ट्रपति की नजर में वो कानून का बड़ा ज्ञाता हो तो अगर वो राष्ट्रपति की नजर में कानून का बड़ा ज्ञाता है तो वैसी स्थिति में भी उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा सकता है या उसके पास ये योग्यता होता है। लेकिन फिर हम लोग चर्चा करें आज तक किसी भी व्यक्ति को इस माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाया गया है जबकि हाँ ये हमारे संविधान में है कि अगर राष्ट्रपति कोई व्यक्ति को कहता है कि इसके पास बहुत ज्ञान है कानून का वो लॉ का तो वैसे व्यक्ति को भी सुप्रीम कोर्ट में जज बना सकता है लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ और ये भी हुआ है केवल 8 लोगों के साथ जबकि सर जज तो बहुत आएगा हम लोग सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे वहां पर भी। तो इस 8 लोग में एक नाम था एकमात्र महिला वो महिला थी इंदु मल्होत्रा। क्या था इंदु मल्होत्रा। और देखिए आपको जानकर ना बड़ा आश्चर्य होगा कि एक समय 2018-19 में ऐसा भी था जहां 3 महिलाएं एक साथ जज थी। अभी तक टोटल 8 महिलाएं जज बनी है सुप्रीम कोर्ट में चर्चा करते हैं हम लोग स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए तो हम चर्चा कर रहे थे पार्ट 2 भी हम लोग इसका बना देंगे वो तो छोटा सा बनेगा लेकिन उसका भी बना देंगे थोड़ा डिटेल हो जाएगा ना इसे। देखिए मेरा सिंपल सा मतलब है आप थोड़ा सा कम पढ़िए लेकिन जो पढ़िए दुरुस्त पढ़िए ये नहीं कि हम टॉपिक भी पढ़ लिए और हमको कुछ आता भी नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। टॉपिक पढ़े तो कुछ ना कुछ आएगा थोड़ा कम पढ़े उससे मैटर नहीं करता।
और विशेष तो हम आपको बोले ही थे कि जब भी क्लास खुलेगा, जुलाई में क्लास खुलने जा रहा है, जितना भी हम लोग ऑनलाइन क्लास लिए हैं उस टोटल का हम लोग क्यूज और उस टोटल का हम लोग पहले टेस्ट लेंगे, है ना। जो लोग नहीं मेहनत किए चलिए यहाँ की मेहनत करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो किए वो कम मेहनत करेंगे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 8 महिलाएं अभी तक जज बनी है, ठीक है, उसमें से प्रथम महिला कौन थी, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। प्रथम जज तो आप देख ही लिए, हीरालाल जे कानिया। प्रथम महिला कौन थी, तो प्रथम महिला थी मीरा साहिब फातिमा बीबी, फातिमा बीबी। लेकिन एक बड़ा देखिए, इसको कॉन्फिडेंस कहा जाए, एक बड़ा संजोग की बात है कि एक समय 2018-19 में आया जब 3 महिला, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो 30+1 का आंकड़ा है उसमें से 3 महिला शामिल थी। सोचिए 8 में से एक तो पहली हो गई और 3 एक ही साथ एक बेंच पे थी, वो नाम इंदु मल्होत्रा, इंदिरा बनर्जी और भानुमती। इंदु मल्होत्रा, इंदिरा, देखिए नाम दोनों का एक ही जैसा लग रहा है, और भानुमती। ये क्वेश्चन आपको और इंपॉर्टेंट होगा। और ये इंदु मल्होत्रा जो थी वो 10 साल वकील वाले में जो 8 लोग को चुना गया था उसमें से एकमात्र थी इंदु मल्होत्रा। इंदिरा बनर्जी भी थी, सब ये 2019 के समय में रही है जज सुप्रीम कोर्ट में। और भानुमती इज द फर्स्ट सीजीआई इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन एससी कैटेगरी। बहुत बड़ी बात है ये, जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं, हम अपने गांव की बात करते हैं, आप अपने गांव की बात करते हैं लोग, कि एससी कैटेगरी वाले जो लोग हैं, ठीक है बहुत जगह आरक्षण खराब होता है लोग मानते हैं, मेरा ऐसा कुछ मानना नहीं है, शायद हम यही मानते हैं हमारे माँ बाप हमारे बड़े लोग जो करके गए जरूर उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो सच्चाई होगी, है ना। हम लोग तो बस यू ही फेसबुक या स्टार है तो आप ही जानते हैं, आप लोग ज्यादा है, हम नहीं है उसमें। तो चर्चा कर रहे थे कि भानुमती जो थी वो फर्स्ट एससी कैंडिडेट थी जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी वर्ष 2019 में। तो एक पहला क्वेश्चन, प्रथम शेड्यूल कास्ट की महिला जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी, अनुसूचित जाति की महिला, प्रथम महिला अनुसूचित जाति की जो सुप्रीम कोर्ट में बनी जज, वो नाम है भानुमती, एससी जज थी। देखिए आरक्षण गलत नहीं है ये बात आप जान लीजिए, हाँ हो सकता है हम लोग उसमें आते भी नहीं है, लाभ नहीं लेते, लेकिन फिर भी आरक्षण गलत नहीं है। वो इसलिए गलत नहीं है, आरक्षण का तरीका गलत है। अब आरक्षण आप रामविलास पासवान के बेटे को दीजिएगा तो गलत है ना, लेकिन आप एक गांव वाले पासवान जी को दीजिएगा आरक्षण तो वो सही है, उनको देना चाहिए, तरीका गलत है। अब एक उच्च वर्ग में भी लोग जन्म ले रहे हैं वहां भी उनको आरक्षण का जरूरत है, इसलिए वो गरीब है, और गरीबी का तो जाति धर्म होता नहीं है ना। लेकिन चलिए हमारे यहाँ राजनीति इतनी अच्छी होती है भारत में, क्योंकि और तो कुछ होता नहीं है सिवाय राजनीति का, है ना, बढ़िया है। तो भानुमती जो है वो प्रथम एससी जज थी महिला में। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं फाइनली सैलरी के बारे में, फिर हम लोग पार्ट टू में डिटेल में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ जज के बारे में पढ़ना था तो हम लोग वहां पढ़ लेंगे। तो सैलरी की बात किया जाए तो देखिए सैलरी 1+30 तो आप समझते हैं ना जी, सुप्रीम कोर्ट वाला 1+30। तो जो सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई होते हैं यानी मुख्य न्यायाधीश, उनका वेतन 2.8 लाख है, 2,80,000, ठीक है। जबकि अन्य जो जज हैं उनका वेतन 2.5 लाख है, कितना है 2.5 लाख, और इनका 2,80,000। और ये वेतन मिलता कहां से है जी, तो ये क्वेश्चन आता है कि वेतन जो है न्यायाधीशों को कहां मिलता है, तो संचित निधि से मिलता है। थोड़ा सा स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, कॉन्सोलिडेटेड फंड, ठीक है, ये आपको मिलता है। और कॉन्सोलिडेटेड फंड का जो वर्णन है, अगर क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान में जो संचित निधि से वेतन प्राप्त होता है, इस संचित निधि का वर्णन कहां किया गया, यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 266 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। और हम लोग फिर पार्ट टू बनाएंगे, आपको कैसा लगा आप बताएंगे, पार्ट टू हम लोग कल या परसों जो भी होगा अपलोड करेंगे। जय हिंद जय भारत।